हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भारत भवन, जो कि भोपाल में बना हुआ है। यह भारतीय कलाओं का एक संग्रहालय है, जिसमें भारतीय कलाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह श्यामला हिल्स पर बना हुआ है। 1980 में इसका निर्माण शुरू हो गया था। 13 फरवरी 1982 को इंदिरा गांधी, जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। उद्घाटन के समय इंदिरा गांधी ने कहा था कि जो काम दिल्ली में होना चाहिए वो आज मध्य प्रदेश में हो रहा है, भोपाल में हो रहा है। अर्थात वो चाहती थी कि यह भारत भवन दिल्ली में बनना चाहिए था। दोस्तों, यह एक सांस्कृतिक केंद्र है। इसके जो वास्तुकार थे, इसका जो डिजाइन तैयार किया था, वो चार्ल्स कोरिया ने किया था। उनका कहना था कि यह एक पानी में झुका हुआ पठार है, जहाँ से तालाब, जो झीलें बनी हुई हैं भोपाल में, और यह भोपाल ऐतिहासिक शहर दिखाई देता है। दोस्तों, यहाँ पर म्यूजियम आर्ट, आर्ट्स गैलरी, और यहाँ पर भारतीय काव्य की पुस्तकालय और ललित कलाओं की कार्यशाला भी बनी हुई है। दोस्तों, भारत भवन को 5 भागों में बांटा गया है। इसके 5 अंग हैं। नंबर 1, रूपंकर, जहाँ पर ललित कलाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। नंबर 2, रंगमंडल, यहाँ पर रंगमंच किया जाता है। नंबर 3, बागर्थ, जो कि कविता केंद्र माना जाता है यहाँ का। नंबर 4, अनहद, जो कि शास्त्रीय लोक संगीत के लिए इसको माना जाता है। नंबर 5वां भाग है दोस्तों छवि, यहाँ पर सिनेमा से संबंधित गतिविधि की जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह भारत भवन है, जो कि भोपाल में बना हुआ है, और दूसरा है भारत कला भवन, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।